मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। इसी बीच सिंगरौली से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास शाह ने जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने फिर भाजपा सरकार बनने पर संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने की बात कही। सिंगरौली विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रामनिवास शाह ने जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। इस दौरान रामनिवास शाह ने कहा कि हमारा कैंपेन अच्छा चल रहा है, भाजपा कार्यकर्ता खूब मेहनत कर रहे हैं, भाजपा सरकार की योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सभी बूथों पर हमारे कार्यकर्ता जो अपने अपने बूथ पर सभी प्रकार के मतदान के दिवस से प्रारंभ से लेकर मतदान दिवस तक के कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ जो भी विकास कार्य हैं उनके बुलेटिंग और पार्टी की बुलेटिंग को और जो प्रदेश की सरकार की योजनाएं हैं उसको पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं। आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा। इसी बीच भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। आज की जो प्रेस वार्ता थी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिन 10-12 बिंदुओं का संकल्प उन्होंने लिया है उस संकल्प को हम आगे सरकार में बनेंगे उसको पूरा करेंगे दृष्टिकोण में आज हमारी प्रेस वार्ता थी। इसलिए हम सभी हमारे पत्रकार बंधु थे सभी का आगमन हुआ था और उनके साथ प्रेस वार्ता उसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। देखिए पूरे मध्य प्रदेश के बिंदु है 5 सालों तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त में राशन, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। दूसरा बिंदु है किसानों से जो 2700 रुपया प्रति क्विंटल हमारे गेहूं और धान की जो खरीदी होगी 2100 रुपया प्रति क्विंटल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। किसान सम्मान निधि किसान कल्याण योजना से किसानों को सालाना 12,000 रुपया प्रतिवर्ष माननीय किसान भाइयों को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ मिलेगा पक्का मकान, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है, उन्होंने संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है। 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाएंगे। लाडली लक्ष्मी के जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख देंगे। अब जो पहले लाडली लक्ष्मी को 1,18,000 देंगे उसको 2 लाख तक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से पूरा करेंगे। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी मुक्त शिक्षा देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार बनने के बाद। उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध कराने वाले हैं। जनजाति समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3,00,000 करोड़ का बजट रख करके और इस सशक्तिकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाभ पहुंचाने वाले हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण दर करेंगे 4,000 रुपया प्रति बोरा। अब जो तेंदुपत्ता की तुड़ाई होगी और सरकार हमारी बनती है माननीय मुख्यमंत्री जी इसको 4,000 रुपया प्रति बोरा करने वाले हैं। ST ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय और SC बाहुल जिलों में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, जहाँ ऐसे बहुतायत है वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ये एकलव्य विद्यालय SC बहुत जिलों में खुलेगा मेडिकल कॉलेज की अपने यहाँ सिंगरौली में भी घोषणा हुई और बन भी है, करीब 50% के आसपास वहाँ काम भी हो गया है, उसको भी पूरा होने वाला है। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी कराने वाले हैं। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ मिलेगा पौष्टिक नाश्ता माननीय मुख्यमंत्री जी इस संकल्प में यह बातें कहेंगे। IIT और AIMM के तर्ज पर खुलेगा मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प पत्र में शामिल किया है। 13 सांस्कृत लोगों का होगा भव्य निर्माण। 6 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण, विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा अटल, प्रगति मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश भारत विकास पथ। 80 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण के साथ वंदे मेट्रो, वंदे भारत, स्लीपर ट्रेन और रीवा सिंगरौली और शहडोल में बनेंगे हवाई अड्डे।
यहाँ पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री सभी विषयों की घोषणा की है, संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं हमारे पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, इसके लिए माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संकल्पित है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित है, जो भी हमारे अधूरे काम हुए वो भी पूरे होंगे। जिस तरह से लाडली बहना माताओं बहनों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री ने गरीब बहनों का गरीब परिवार को किया है, निश्चित ही सरकार बनने पर हम 1,250 से 3,000 रुपए तक माननीय लाडली बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको देने के लिए होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।